विलापगीत अध्याय एक। विलापगीत अध्याय एक। जो नगरी लोगों से भरपूर थी वह अब कैसी अकेली बैठी हुई है, वह क्यों एक विधवा के समान बन गई। वह जो जातियों की दृष्टि में महान और प्रांतों में रानी थी अब क्यों कर देने वाली हो गई है। रात को वह फूट फूट कर रोती है, उसके आंसू गालों पर ढलकते हैं, उसके सब यारों में से अब कोई उसे शांति नहीं देता। उसके सब मित्रों ने उससे विश्वासघात किया और उसके शत्रु बन गए हैं। यहूदा दुख और कठिन दासत्व से बचने के लिए परदेश चली गई, परंतु अन्य जातियों में रहती हुई वह चैन नहीं पाती। उसके सब खदेड़ने वालों ने उसकी सकेती में उसे पकड़ लिया है। सियोन के मार्ग विलाप कर रहे हैं, क्योंकि नियत पर्वों में कोई नहीं आता है। उसके सब फाटक सुनसान पड़े हैं, उसके याजक कराहते हैं, उसकी कुमारियां शोकित है और वह आप कठिन दुख भोग रही है। उसके द्रोही प्रधान हो गए, उसके शत्रु उन्नति कर रहे हैं, क्योंकि यहोवा ने उसके बहुत से अपराधों के कारण उसे दुख दिया है। उसके बाल बच्चों को शत्रु हाँक हाँक कर बंधुआई में ले गए। सियोन की पुत्री का सारा प्रताप जाता रहा है, उसके हाकिम ऐसे हरिनों के समान हो गए हैं जो कुछ चराई नहीं पाते। वे खदेड़ने वालों के सामने से बलहीन होकर भागते हैं। यरूशलेम ने इन दुख भरे और संकट के दिनों में, जब उनके लोग विद्रोहियों के हाथ में पड़े और उसका कोई सहायक न रहा, तब अपनी सब मनभावनी वस्तुओं को जो प्राचीन काल से उसकी थी स्मरण किया है। उसके द्रोहियों ने उसको उजाड़ देकर ठट्टों में उड़ाया है। यरूशलेम ने बड़ा पाप किया, इसलिए वह अशुद्ध त्रिसी हो गई है। जितने उसका आदर करते थे वे उसका निरादर करते हैं, क्योंकि उन्होंने उसकी नंगाई देखी है। हाँ, वह कराहती हुई मुंह फेर लेती है, उसकी अशुद्धता उसके वस्त्र पर है। उसने अपने अंत का स्मरण न रखा, इसलिए वह भयंकर रीति से गिराई गई और कोई उसे शांति नहीं देता। हे यहोवा, मेरे दुख पर दृष्टि कर, क्योंकि शत्रु मेरे विरुद्ध सफल हुआ है। द्रोहियों ने उसकी सब मनभावनी वस्तुओं पर हाथ बढ़ाया है। हाँ, अन्य जातियों को जिनके विषय में तूने आज्ञा दी थी कि वे तेरी सभा में भागी न होने पाएंगी, उनको उसने तेरे पवित्र स्थान में घुसा दिया है। उसके सब निवासी कराहते हुए भोजन वस्तु ढूंढ रहे हैं। उन्होंने अपना प्राण बचाने के लिए अपनी मनभावनी वस्तुएं बेचकर भोजन मोल लिया है। हे यहोवा, दृष्टि कर और ध्यान से देख, क्योंकि मैं तुच्छ हो गई हूं। हे सब बटोहियो, क्या तुम्हें इस बात की कुछ भी चिंता नहीं? दृष्टि करके देखो, क्या मेरे दुख से बढ़कर कोई और पीड़ा है जो यहोवा ने अपने क्रोध के दिन मुझ पर डाली है? उसने ऊपर से मेरी हड्डियों में आग लगाई है और वे उससे भस्म हो गई। उसने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया और मुझको उल्टा फेर दिया है। उसने ऐसा किया कि मैं त्यागी हुई सी और रोग से लगातार निर्बल रहती हूं। उसने जुए की रस्सियों की नाई मेरे अपराधों को अपने हाथों से कसा है। उसने उन्हें बटकर मेरी गर्दन पर चढ़ाया और मेरा बल घटा दिया है, जिनका मैं सामना भी नहीं कर सकती। उन्हीं के वश में यहोवा ने मुझे कर दिया है। यहोवा ने मेरे सब पराक्रमी पुरुषों को तुच्छ जाना। उसने नियत पर्व का प्रचार करके लोगों को मेरे विरुद्ध बुलाया कि मेरे जवानों को पीस डाले। यहूदा की कुमारी कन्या को यहोवा ने मानो कोल्हू में पेरा है। इन बातों के कारण मैं रोती हूं, मेरी आंखों से आंसू की धारा बहती रहती है, क्योंकि जिस शांतिदाता के कारण मेरा जी हरा भरा हो जाता था वह
मुझ से दूर हो गया, मेरे लड़के बाले अकेले हो गए, क्योंकि शत्रु प्रबल हुआ है, सियोन हाथ फैलाए हुए है, उससे कोई शांति नहीं देता। यहोवा ने याकूब के विषय में यह आज्ञा दी है कि उसके चारों ओर के निवासी उसके द्रोही हो जाए। यरूशलेम उनके बीच अशुद्ध स्त्री के समान हो गई है। यहोवा सच्चाई पर है, क्योंकि मैंने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। हे सब लोगों, सुनो और मेरी पीड़ा को देखो। मेरे कुमार और कुमारियां बंधुआई में चली गई है। मैं अपने मित्रों को पुकारती हूं, परंतु उन्होंने भी मुझे धोखा दिया है। जब मेरे याजक और पुरनिये इसलिए भोजन वस्तु ढूंढ रहे थे कि खाने से उनका जी हरा हो जाए, तब नगर ही में उनके प्राण छूट गए। हे यहोवा, दृष्टि कर, क्योंकि मैं संकट में हूं। मेरी अतड़ियां ऐठी जाती है, मेरा हृदय उल्टा गया है, क्योंकि मैंने बहुत बलवा किया है। बाहर तो मैं तलवार से निर्वश होती हूं, और घर में मृत्यु विराज रही है। उन्होंने सुना है कि मैं कराहती हूं, परंतु कोई मुझे शांति नहीं देता। मेरे सब शत्रुओं ने मेरी विपत्ति का समाचार सुना है, वे इससे हर्षित हो गए हैं कि तूने ही यह किया है। परंतु जिस दिन की चर्चा तूने प्रचार करके सुनाई है, उसको तू दिखा, तब वे भी मेरे समान हो जाएंगे। उनकी सारी दुष्टता की ओर दृष्टि कर, और जैसा मेरे सारे अपराधों के कारण तूने मुझे दंड दिया, वैसा ही उनको भी दंड दे, क्योंकि मैं बहुत ही कराहती हूं और मेरा हृदय रोग से निर्बल हो गया है।